very good morning class 10th uh, dear students as you all are knowing that we were uh, studying about the session 1 of unit third that is knowing about the operating system and, uh, and uh, in the on uh, live classes i have covered the lots of topic and today i'm going to teach you about the file operation on windows 10 con operation on windows 10 perform karenge? first of all thing uh, one thing कि आपके पास विंडोज़ टेन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तो आप इसको ईज़िली आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कोई कोई भी डिफरेंस नहीं है आपका जो विंडोज़ सेवन है विंडोज़ एट है वैसे ही विंडोज़ टेन है थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर है कुछ सर्च बॉक्सेस वग़ैरह हैं वो नए आ गए हैं है ना तो जिनके पास भी लैपटॉप है कंप्यूटर है अगर उसमें विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्लीज़ 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 प्लीज, आप विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी ऑपरेशन आपके बुक में दिए है उसको आप परफॉर्म करें और उसका वीडियो बनाकर मुझे शेयर करें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दो से तीन मिनट का भी वीडियो अगर आप परफॉर्म करोगे या बनाओगे तो उसको सेंड कर सकते हो मैक्सिमम थ्री मिनट्स नॉट मोर देन थ्री ठीक है और फिर आप मुझे बताना हालांकि कुछ है ही नहीं जैसे कि फ़ाइल एक्सप्लोरर है उसको कैसे ओपन करना है तो उसके लिए आपको स्टेप दिया है कि फ़ाइल एक्सप्लोरर बेसिकली क्या होता है थ्रू विच वी कैन ऑर्गेनाइज दी फाइल्स है ना फाइल्स मतलब होता है आपके जो भी एक स्मॉल यूनिट एरिया है और फोल्डर्स फोल्डर्स को भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं फोल्डर्स मीन्स डायरेक्ट्रीज बोलो या कंटेनर्स बोलो है ना तो फाइल एक्सप्लोरर को कैसे स्टार्ट करना है कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये बताया है कि भाई स्टार्ट मेन्यू में जाओ फाइल एक्सप्लोरर आइकन दिखेगा वहाँ से फाइल एक्सप्लोरर बटन में क्लिक करो ये देखो ये फिर आपका क्या होगा या तो फिर शॉर्टकट क्री भी आप प्रेस कर सकते हो दैट इज़ विंडो प्लस ई है ना ये क्या है आपका शॉर्टकट की है फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए ठीक है फाइल एक्सप्लोरर है क्या बेसिकली तो ये इट्स अ वॉट एप्लीकेशन विच इज़ यूज टू ब्राउज फोल्डर्स एंड द फाइल्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर ये क्या करते हैं ये एक ऐसा आपका एप्लीकेशन है जो फाइल्स और फोल्डर्स को होल्ड करके रखता है ओके एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वॉट क्रिएटिंग अ फोल्डर तो देखो फोल्डर क्रिएट करना तो सभी को आता है है ना हम लोग अपने स्कूल के लैब में भी करे हैं विंडोज सेवन बेसिकली वहाँ पर इंस्टॉल्ड है तो विंडोज़ सेवन में हम अपना फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी जगह को जहाँ पे आपको बनाना है आइर यू कैन चूज़ दी डेस्कटॉप और दी डी ड्राइव और सी ड्राइव कहीं भी आप बना सकते हो जनरली हम डेस्कटॉप चूज़ करते हैं नहीं तो डी ड्राइव चूज़ करते हैं वहाँ पे आप जाइए राइट क्लिक करिए राइट क्लिक करने के बाद आपको मेन्यू प्रोवाइड होगा एंड इन दिस मैन्यू यू विल जस्ट क्लिक ऑन दी न्यू फोल्डर ऑप्शन ठीक है न्यू फोल्डर ऑप्शन में जैसे ही जाओगे आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और बाई डिफ़ॉल्ट इसमें दूसरा नाम आएगा है ना फोल्डर वन फोल्डर टू कुछ भी नाम आ सकता है अब इस फोल्डर का जो नाम है उसको आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से सपोज इफ़ आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन फोल्डर द नल टाइप द नेम वॉट बबीता क्यों टाइप करूंगी क्योंकि मैं अपना फोल्डर बना रही हूँ आप कुछ भी बना सकते हो अगर आप अपना फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि भाई सपोज आ, किसी का भी नाम लिख लो जैसे निशिका टेंथ ऐसा लिख लो या क्लास टेंथ गर्ल्स लिख लो क्लास टेंथ बॉयज लिख लो तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ फोल्डर ठीक है तो ये फोल्डर क्रिएट करने का स्टेप्स है तो अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन सी दी स्टेप्स फ्रॉम योर बुक द पेज नंबर ऑफ दिस टॉपिक इज सिक्सटी है ना तो यू कैन रेफर दी पेज नंबर सिक्सटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्सट बुक ओके ना वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन कॉपिंग एंड मूविंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देर इज़ अ लिटिल बिड डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग है ना कॉपिंग और मूविंग में थोड़ा सा डिफरेंस है हो दोनों में ही जो है हमारा आइटम है जो भी चीज़ें हैं वो कॉपी होती है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है बट थोड़ा डिफरेंस है क्या डिफरेंस है कॉपी अगर हम करते हैं तो जो भी फाइल है फ़ोल्डर है जो भी आप आइटम चूज़ करते हैं वो क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है लेकिन इसके क्लोन्स ट्रांसफ़र होते इसकी कॉपी बनाता है इसके जो डेस्टिनेशन है वो रिपीटेड होते हैं है ना रिपीटेड नहीं बोल सकते इसका जो डेस्टिनेशन है वो दो जगह पे होता है ये आपका यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा दस इज़ कॉपिंग है ना कॉपिंग में क्या होता है कि आपका जो लोकेशन है है ना वो क्या रहता है आ, सेम रहता है बोलना चाहिए या जहाँ पे आप टारगेट प्लेस है वहाँ पे जहाँ पे आप कॉपी करोगे वो क्या होता है क्रिएट हो जाता है है ना नया लेकिन मूविंग में ऐसा है क्या नहीं आप यहाँ से इसको उठा के क्या करोगे नए प्लेस में सीधे मूव करोगे स्विच करोगे तो मूविंग ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स मीन्स फाइल एंड फोल्डर्स आर मूव फ्रॉम दी ओरिजिनल पोजिशन यहाँ से मूव हो के एंड प्लेस एट टू द डेजिगनेटेड न्यू लोकेशन यहाँ ओरिजिनल पोजिशन से न्यू में चले जाता है किस में मूविंग में लेकिन कापिंग में ओरिजिनल में रहता ही है साथ में आपकी न्यू वाले पोजिशन में भी रहता है तो दोनों में काम आता है ठीक है यहाँ पे दोनों रहेगा इसका लोकेशन लेकिन मूविंग में ऐसा नहीं रहता है ठीक है तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कॉपिंग और मूविंग में यू कैन सी दी डेफिनेशन ऑफ कॉपिंग एंड मूविंग ऑल्सो है ना तो हियर इज़ दी डेफिनेशन ऑफ मूविंग क्योंकि हम समझ तो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें बट वी आर नॉट बी एबल टू राइट इन दी आंसर इट तो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द डेफिनेशन यू जस्ट हैव टू लर्न द फ्यू टेक्निकल टर्म्स है ना आपको छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स उसको याद करना पड़ेगा दैट इज़ एक जगह से दूसरी जगह बोल को, हम एक जगह की जगह ना बोल के उसको ओरिजिनल प्लेस बोलेंगे ओरिजिनल लोकेशन से डेस्टिनेशन बोल सकते हो आप है ना तो यहाँ पे मूवी में क्या होगा ओरिजिनल से सीधे जो डेस्टिनेशन है न्यू डेस्टिनेशन है वहाँ पे स्विच करते हैं। बट इन कॉपिंग बोथ फाइल्स एंड फोल्डर्स आर रिसाइड इन दी ओरिजिनल प्लेस एज वेल एज इन दी न्यू डेस्टिनेशन ऑल्सो है ना यह स्पेसिफिक लोकेशन में भी क्या रहता है वो रहता है सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डेफिनेशन है ना बट वो एक्यूरेट मीनिंग देना चाहिए और सही होना चाहिए नहीं तो हम अपने मन से लिखते हैं बहुत सारी चीज़ें गलत होती है इसलिए आप एक बार बुक रेफर कर लें बुक का जो डेफिनेशन उसको पढ़ लें समझ लें और नहीं समझ आए तो आप तो मैं तो हूँ ही आप बता सकते हैं वहाँ से है ना यू कैन राइट दि स्टेप्स ऑल्सो पर जनरली स्टेप नहीं आता ठीक है नाउ सिलेक्टिंग दी फाइल्स एंड फोल्डर्स ईजी टॉपिक है भाई ये कैसे हम फाइल्स और फोल्डर्स को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के लिए तो आप सीधे क्या करोगे दो तीन प्रकार का सिलेक्शन होता है एक तो सिंगल सिलेक्शन एक होता है आपका मल्टीपल सिलेक्शन वो भी कंटिन्यूस मैनर में और दूसरा होता है मल्टीपल सिलेक्शन होता है पर कंटिन्यूस नहीं होता नॉन कंटिन्यूस मैनर में होता है ठीक किसी एक आइटम को सिलेक्ट करने तो क्या करोगे उसको सिंगल uh, क्लिक करोगे है ना और सिलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा अगर पूरे साथ करना है तो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन में जाओ या फिर आप क्या कर सकते हो कंट्रोल प्लस ए आप प्रेस करते हैं जनरली यहाँ पे दिया है चलो यहीं से देखते हैं टू सिलेक्ट ऑल दी आइटम्स इन अ फोल्डर अगर किसी फोल्डर में पूरे आइटम को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट ऑल जाते हैं कौन से टैब में होम टैब में आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल भी होम टैब के सिलेक्ट ग्रुप के सेलेक्ट ऑल वाले कमांड में जाते हैं या फिर कंट्रोल ए ऑप्शन प्रेस करते हैं फॉर वॉट टू तो सेलेक्ट ऑल द आइटम्स और ऑल दी फाइल्स अवेलेबल इन ई पर्टिकुलर फोल्डर ठीक तो दिस इज़ दी शॉर्टकट की फॉर दी सिलेक्शन ऑफ ऑल दी डाटा और ऑल द फाइल्स ठीक है जब हम पूरे आइटम को चूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल पर से दबाएंगे या सिलेक्ट ऑल बटन चूज करूँगी कौन से ग्रुप से कौन से टैब से द नेम ऑफ द टैब इज होम टैब और ग्रुप का नाम है सिलेक्ट ग्रुप ये आता है पेपर में ये ना वो टिक दी करेक्ट आंसर में पूछते हैं दूसरा है आपका अगर आपको मल्टीपल सेलेक्शन करना है वो भी कंटीन्यूस कंटिन्यूस समझते हो ना जैसे यहाँ पे रखना है ऐसे तो मैं क्या करूंगी शिफ्ट की को दबाऊंगी एक आइटम को सिलेक्ट करना है शिफ्ट की को प्रेस करो एंड देन दी लास्ट आइटम इन द ग्रुप यू वांट जैसे आपके पास एक दो तीन चार पाँच छह यहां से यहां तक करना है तो इसको प्रेस करो शिफ्ट की दबाओ और आखिरी में इसको प्रेस कर दो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ठीक नॉन कंटिन्यूस मैनर में होता है तो हम कंट्रोल की को करते हैं है ना एक ठो को चूज़ करते हैं कंट्रोल फिर दूसरा को चूज़ करें उसको दबाओ एक सिंगल क्लिक लेकिन डबल क्लिक नहीं तो वो क्या होता है नॉन कंटिन्यूस मैनर में भी चूज़ हो जाता है तो ये तीन चीज़ें हैं ये तीन आ, वेज हैं जो हम क्या करते हैं किसी भी फाइल से फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है ये जो ब्लू ब्लू है ना हल्का सा लाइट डार्क ब्लू अगर हो जाता है ये कलर अगर डाल हो जा डार्क हो जाता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वो जो आइटम है या जो फोल्डर है वो क्या हो गया है सिलेक्ट हो गया है ठीक है तो कंटिन्यूस सिलेक्शन के लिए कंटिन्यूस सिलेक्शन के लिए स्विफ्ट की नॉन कंटिन्यूस के लिए कंट्रोल की ठीक है ये कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है क्लिप क्या होता है क्लिप का डेफिनेशन बताई थी क्लिप बोर्ड का एक ऐसा टेम्प्ररी लोकेशन है जिसमें कोई भी आइटम है कोई भी डाटा है कोई भी फाइल या फोल्डर है वो टेम्प्ररी स्टोर होता है ठीक है टेम्प्ररी बफर है एक प्रकार का बफर मतलब जो किसी भी आ, डाटा को कंसिस्ट करके रखा है ना और कब तक कंसिस्ट करते हैं वो कॉपी पेस्ट जब ऑपरेशन करते हैं ना तब ये जाके यहीं पे स्टोर होते हैं ठीक है कॉपी करोगे तो यहीं पे जाके स्टोर होगा और पेस्ट करोगे तो फिर क्या होगा वो पेस्ट होते हैं मतलब कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के टाइम में ये जो बफर है वो हमको प्रोवाइड कराता है इधर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर इसको बोलते हैं क्लिप ठीक है तो क्लिप इज़ द टेम्प्रेरी मेमोरी ठीक है यहाँ पर लिखे क्लिप बोर्ड इज द टेम्पररी मेमोरी बफोर इन द रेंडम एक्सेस मेमोरी प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर द डाटा फॉर द शॉर्ट टर्म ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए कम समय के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं इट इज यूज टू होल्ड द कॉपी और कट द डाटा टेम्परली वाइल ट्रांसफरिंग विद इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम ठोके सो वैन यू कट और कॉपी द सम डाटा इट इज टेम्परली स्टेड इन द क्लिपबोर्ड सो दैट यू कैन इट तो ये जब हम कॉपी करते हैं तो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाए रहता है ये क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाए रहता है ठीक है अब कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स का स्टेप दिए हैं तो यू कैन सी दी स्टेप्स है ना इसको मैं बता भी चुकी कि फाइलिंग फाइल कॉपी के फाइल में या फोल्डर के कॉपी में और मूविंग करने में क्या डिफरेंस है है ना कौन से टैब में अवेलेबल है ये सब बिल्कुल ध्यान देखना कॉपी और मूव कौन सा टैब में अवेलेबल है होम टैब के क्लिपबोर्ड कैटेगरी में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर है ठीक है होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कॉपी और पेस्ट कमांड या कट पेस्ट कमांड जो है अवेलेबल है ठीक है सेम आप डिलीशन की बात करें तो डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स तो दो टाइप का डिलीशन होता है एक तो डिलीशन होगा आपका कोई भी फाइल या फोल्डर का डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है वो रिसाइकल बिन में दूसरा डिलीशन होगा कि भाई हमको रिसाइकल बिन से भी परमानेंटली डिलीट करना है तो आप रिसाइकल बिन में जाके आप रिसाइकल बिन से डिलीट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर आइटम को भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे रिसाइकल बिन को ही पूरा खाली करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो एम्पटी कर सकते हो किसको रिसाइकल बिन को ओके इट्स इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट जिनके पास भी विंडोज टेन है ये दो तीन ऑपरेशन आप मुझे तुरंत परफॉर्म करके दो तीन मिनट का वीडियो आप बना के मुझे भेजिए अगर आपको लगता है कि एक, एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आप एक ऑपरेशन का अलग वीडियो बना लो दूसरे ऑपरेशन का अलग बना लो तीसरे ऑपरेशन का अलग बना लो है ना यू कैन डू लाइक दिस विंडोज़ टेन जिसके पास अवेलेबल है है ना नहीं भी है तो आप अपना विंडोज़ जो भी अवेलेबल सेवन एट जो भी आप यूज़ करें उसमें भी आप बना के भेज सकते हो ना? Okay? है ना दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज ओके और ये बहुत से बेसिक ऑपरेशन है कॉपिंग कॉपी करना मूव करना डिलीट करना है तो सभी को पता रहता है अब देखो डिलीट करने के लिए कैसे करेंगे डिलीट करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले डी इधर यू कैन प्रेस सिलेक्ट द आइटम पहले आप आइटम सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करो तो भी डिलीट हो जाएगा या तो फिर आप होम टैब में जाएँ ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाएँ और डिलीट ऑप्शन में जाएँ कहाँ पे होम टैब के इसको बोलते हैं टैब इसको बोलते हैं ग्रुप और ये आपके कमांड नेम है ठीक है तो होम टैब के ग्रुप ऑर्गेनाइज uh, नाम के ग्रुप में डिलीट ये जो कट दिख रहा है ना ऐसा करके जो दिया है ये है आपका कमांड का नाम ये आप चूज़ करेंगे ठीक है और मैं क्या बोलती कट पेस्ट के लिए कहाँ जाते थे क्लिपबोर्ड वाले होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप था देखो इसमें जाते थे ठीक है ऐसे बहुत सारा ग्रुप है न्यू ग्रुप है ये ग्रुप है तो ये सब ग्रुप का नाम पूछता है कि फ़लाना फलाना कौन से ग्रुप में अवेलेबल है ऑप्शन हो दे देगा आपको इक्टो पहचानना है तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना है ठीक है इसलिए मैं इसको क्वेश्चन आंसर की टर्म में ज़्यादा मैं आपको नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर लिखा दू ना क्लास में तो कुछ बच्चे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं लिखा रहूँगी वहीं तक लिमिटेड हो जाएंगे मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती मैं चाहती हूँ कि आप पूरा बुक को पढ़ो है ना आई डोंट वॉन कि सिर्फ आप दस क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए एंड देन यू आर सेइंग से यू आर बिलीविंग दैट हाँ आप तो मैं पास हो जाऊँगा है ना आपको ऐसा भरोसा हो गया तो ये बिल्कुल बेकार बात है है ना आपको पूरा ही बुक पढ़ना है इट्स माई आई कैन से इंस्ट्रक्शन कि आप पढ़ो है ना पर आप पढ़ लोगे बेटा नहीं है ज़्यादा कोई परेशानी इसमें है ही नहीं ठीक है तो ये कर सकते हैं या तो सीधा भैया और जो भी आइटम है उसको सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने से डिलीट ऑप्शन आता है आप उसको प्रेस करो डिलीट करने के बाद जाएगा रिसाइकल बिन में और रिसाइकल बिन से कैसे डिलीट करना है जिनको नहीं पता वो मुझे पर्सनल में मैसेज करेंगे ठीक है और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है आई आल एक्सप्लेन द टॉपिक इन दी लाइव क्लास ओके और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होता तो बताओ ठीक है क्या करोगे फिर भी मैं, मैं बता देती हूँ जैसे रिसाइकल बिन में आ गया तो आप इस जगह पर जाइए रिसाइकल बिन ओपन करिए रिसाइकल बिन ओपन करने के बाद वहाँ से आपको जो भी आइटम मिलता है वहाँ से आप क्या कर सकते हो उसको रिस्टोर कर सकते हो राइट क्लिक करने के बाद और अगर आपको लगता है कि वहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शनस अवेलेबल होंगे है ना, ना, ना लेट मी ये देखो यहाँ पे अगर आपको परमानेंटली पूरे रिसाइकल बिन को खाली करना है तो देखो एम्प्टी रिसाइकल बिन का यहाँ पे आइकन है बगल में तो यू कैन सी यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन या डबल क्लिक कर सकते हो आप है ना जैसा भी है और ये देखो रिसाइकल बिन से जो सिलेक्ट री स्टोर दी सिलेक्टेड आइटम्स यहाँ से आप क्या कर सकते हो री स्टोर भी कर सकते हो ठीक है और ये कौन से टूल के अंदर है अवेलेबल या कौन से टैब के अंदर है तो ये मैनेज टैब के अंदर मैनेज ग्रुप में अवेलेबल है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखो ये देखिए आपको बोला जाएगा रिसाइकल बीन जो एम टी रिसाइकल बीन है परमानेंटली डिलीट करना अगर फाइल या फोल्डर्स को तो विच टैब विल यू चूज़ टू डिलीट दी फाइल्स और फोल्डर्स परमानेंटली है ना तो आपको ऑप्शन दे दिया मैनेज ऑर्गेनाइज और एक दिया क्लिप बोर्ड तो आप क्या चूज़ करोगे मैनेज ग्रुप को चूज़ करोगे कौन से टैब मैनेज टैब के अंदर हम पहले कौन सा टैब देखे थे होम टैब देखे थे अब ये कौन से टैब में है मैनेज टैब के मैनेज ग्रुप के अंदर रिसाइकल बिन करके क्या है आपका कमांड है ना तो आप प्लीज़ करके बुक परचेज करें और इसको पढ़ें और फिर आपको ये चीज़ क्या हो जाएगी समझ आ जाएगी सो दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेशन वन ऑफ यूनिट थर्ड ओके आई एम जस्ट होपिंग कि आपको समझ आया हो और कुछ भी समझ नहीं आया तो यू कैन मैसेज मी कॉल मी फ्रेंकली है ना विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल और मैसेज मी विदिन स्कूल आवर विद इन टेन टू फोर ओ क्लाक है ना दस से चार के बीच में आप मुझे कभी भी फोन कॉल जो भी है कर सकते हैं ओके क्लास बाय